अगर डीजी सर बोलते हैं हाउ द जोश, तो आप क्या बोलते धीरे से? Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it. Homegrown rock star Mr. Kartik Sharma is on national TV, Colors TV. और आज ये बता सकते हैं है ना, आज कलर्स टीवी वाले बैक स्टोरी के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो दो दिन यहाँ पे रहेंगे और बैक स्टोरी करेंगे एंड दे हैव टू गो बैक आफ्टर 10 तारीख को ये वापस चले जाएंगे, तो अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो स्टिक टू योर टीवी स्क्रीन्स. I won't stop till I hear him say. तो जो फर्स्ट शॉट होने वाला है वो होने वाला है मॉल रोड के ऊपर. आई थिंक सनराइज वाला शॉट लेंगे ये. ओहो सर, गुड मॉर्निंग. ऑन है कि बंद? हां जी ऑन है सर. जो आपने बोला है फिल्टर आउट करके बोल सकते हैं, जो नहीं बोला तो कैसे सर? सर इनको पता ही नहीं आज इनका बर्थडे है. यहाँ रहते भी आपने जो वर्क किया ना यार. अरे मैंने तो जो कि आपने किया. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. और आपका डांस बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा लगा आपको डांस. अच्छा गा रहे थे आप? झूम गया. कौन सा डांस है? आओ आओ पास, हाथ में नहीं कुछ नहीं. ऑल राइट, तो पहला शॉट स्टार्ट होने वाला है. काफ़ी सारे शॉट्स हैं, दो दिन में ये बोल रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक शूटिंग ही करनी है. देखते हैं कौन कौन से शॉट्स लेते हैं. ये थोड़ा सीखने को मिलेगा कौन कौन से शॉट्स नेसेसरी होते हैं टीवी के लिए, कौन से उनसे नहीं. ठीक है भाई जी. अरे हेलो, कोई बात नहीं. अपने चैनल पे हम 1,00,000 पहुंचने वाले हैं. नहीं यार. हाँ जी हाँ जी यार, इस बार तो हिमांशु को लेके बहुत जरूरी लग रही है. हिमांशु को तो बहुत जरूरी है लेके जाना. आप जाओ अभी, अभी पूरे फॉर्म में आएंगे ना फिर. अगर वोटिंग चली ना, मैंने बोल दिया आपको हम विजेता हैं. अगर वोटिंग चली ना, मैंने बता दिया है वोट गिनने मुश्किल हो रहा है. मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं पहले दिन से ही इन चार साहब ना हंसते, फिर मैं मस्ती करता हूँ ना, बोलते हैं आज ऐसा हुआ शूट, बोलो आज ऐसा हुआ. मतलब सर मानो या ना मानो हम विजेता. सुबह सुबह कैसे सर? यहाँ पे शूटिंग चलती है. अच्छा अच्छा, ये वही लोग हैं शायद जो उधर. अच्छा अच्छा, यार मैं ऑफिस के लिए. कभी बोल दो 360 भी है ये? आप 250 भी है, 150 भी है. ओके, तो फिर ऐसे करके क्यों ले रहे हो? वहीं से ले लेंगे. 360 के अंदर सब कुछ आ जाएगा ना फिर. अभी जैसे मैं यहाँ पे हाथ ला रहा हूँ, ये वाला लो, ये लो, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये मैं हाथ ला रहा हूँ. सबके हुए मेकअप सबके होंगे. थोड़ा 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 शॉट लेना या थोड़ा सा अपना ले, फिर अगली भी मेरा भी दे देना. आपकी तो मैंने बनाई नहीं है, पढ़ना भी मेरी बनी है. ए लो यार इनका. आए ओ तेरी. ये आपने इंडिया से लिया कि बाहर से मंगाया था कहीं से? अच्छा अच्छा, वो तो बड़ा महंगा है ये. तो चलो ठीक है, ठीक है. यस सर. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट अब करेंगे. ये देखो गला सूख गया मेरा, अब खाएंगे. गला सूख गया तो मैं परौंठे खाऊंगा. नहीं नहीं, मैं परौंठे से गिला करना चाहता हूँ. और बनाएंगे सुपर आज को.
बहुत जो मेन अट्रैक्शन रहती है ना वो ये हॉल भाई, ये तो पुराना है, हेरिटेज है ना, हेरिटेज है ये पूरा, इसको छेड़खानी नहीं कर सकते जैसा है बस इसको ऐसे नहीं कर सकते। और थिएटर मेरा भी वहाँ पे सारे, बाकी जो दूसरे बड़े इवेंट होते हैं तो वो सारा रूप पर होते हैं, क्योंकि बड़ा भी है ज़्यादा अच्छा यही है सर, बहुत शानदार है। वही लोकेशन चेंज हो रही है? हाँ अभी थोड़ा लोकेशन चेंज, अभी हम यहीं पर कर रहे हैं, रिच पे ही कर रहे हैं कि एडवांस स्टडी नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर। अच्छा अबाउट टर्न, अबाउट टर्न, चलो कहाँ चलेंगे? रिट्स, रिट्स विला, रिट्स पीटी है हमारी उधर तक ना, कहाँ तक? पीएचक्यू तक, पीएचक्यू तक पैदल। हाँ पैदल जाने की, हाँ जी हाँ जी। राइट, तो अब होने वाला है डीजी साहब का इंटरव्यू, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। साहब को बहुत बहुत मुबारक, आपका मैंने जो ऑडिशन राउंड देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया और दो नेशनलिस्टिक फर्वर के आपने गाने गाए और उसको उस म्यूजिक को आपने फ्यूज किया, फ्यूजन था। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कार्तिक आप बताइए। जी सर, हमारा सर जो हमने अपना एक सोच के रखा है कि जो भी हम आगे करने वाले हैं, जो भी सरप्राइज सर ने बताया कि जो भी हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं उसमें हमारा जितना भी हम सभी का साथ, मतलब जिस तरीके से हमने परफेक्टली कैसे स्टेज पे हमको परफॉर्म करना है, हर चीज़ को सीक्वेंस करके बिल्कुल मिला के उस तरीके से बस प्लान किया सर हम सभी ने, परफेक्टली उतारेंगे स्टेज करेंगे सर अपने अंदाज में, तो ये सरप्राइज रहेगा सर सबके लिए। सर तो बेहद खुश है डीजी सर, बेहद खुश है, बेहद खुश, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमारे लिए, बहुत शुभकामनाएं। नहीं क्या बोला है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे अगर डी जी सर बोलते हैं हाउस द जोश तो आप क्या बोलते, धीरे से? तो सेकंड लोकेशन में भी कंप्लीट हो चुका है, अब जा रहे हैं हम थर्ड लोकेशन कुफरी की तरफ, कुफरी की तरफ और बर्फ़ के साथ साथ, बर्फ़ के साथ करते हुए, हाँ बर्फ़ के साथ करते हुए, और बाइक्स भी आएगी वहाँ पे। मास्क लगा कर ही रखना, अपने हाथों को धोते रहना। सर मुजरिम को कहाँ ले जा रहे हैं आप? मुजरिम को कहाँ ले जा रहे हैं? मुजरिम आप बहुत मतलब ना वीआईपी मुजरिम है, आप बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? कौन सी जेल है? काला पानी जेल, गंडा जेल, नहीं पानी पूनी वाली जेल नहीं है, जेल तो है भी चाहिए, खाने को भी हो जाते। बोलो आप कहाँ जाना? जहाँ ले जाएंगे सर आप? हम आपको व्हाइट फ्लावर हॉल ले चलते हैं। हाँ जी सर, वही से जा रहे हैं, पहले आपको खाना खिलाएंगे, ठीक है जी, शाम को से निकलवाते हैं आपसे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ, कुफरी की जगह अन्ना डेल। व्लॉगिंग के साथ सीन ऐसा है ना कि आई एम नॉट वेरी यूज टू टॉकिंग टू पीपल, बहुत ज़्यादा अल्प भाषी हूँ, और व्लॉगिंग में चाहिए बहुत सारी बातें करने के लिए। तो आई एम ट्राइंग कि दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और अपनी बातें शेयर करूँ। लेट्स सी अगर ये कंटिन्यू कर पाता हूँ मैं, आपको पता लग जाएगा। बाकी अभी थर्ड लोकेशन पर हम भैया, ठीक है, थोड़ी चाबी भूल गया है। ओहो तो ड्राइवर नहीं आया अभी है ना? नहीं आज खुद ही मूड था, अच्छा खुद ही मूड था, क्या चलो सेंसर वाली की नहीं जो दूसरी लगी। सही है।
आंखें सही है मुझे दिख रहा है ये 360 लाल होगी लाल वो लाना वहाँ से वो जो लगाया थी चले भाई बैठ सकते हैं इसमें एक फोटो तो खींच ही लेते हैं दिस इज डे टू आज लास्ट शूट है हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा का यहाँ पे एंड वी आर एट चिरोंटी हेलीपैड आई मीन शिमला हेलीपैड है ये अभी अभी नया बना हुआ है पिछले महीने इसका उद्घाटन हुआ था और उससे पहले एक यहाँ पे वीडियो भी शूट की थी HPPO की जो कि जल्द ही आएगी बट फिलहाल आप HPPO को एंजॉय करो कलर्स टीवी पे सो यह अभी टीम आनी बाकी है कुछ लोग आ गए कुछ लोग आने बाकी है तबला छोटू है का हेरो देखो सबसे पहले हम पहुंच गए हाय है ना बिना मुझे अच्छी लगती है ना यार इस साइड को और धूप की साइड को बिना मुझे अच्छे लगते है ना है ना मुझे तो ऐसे लगते है ब्रश नहीं होते जैसे पहले ब्रश के ब्रिसल्स होते देखिए हिमांशु भाई का कहना है कि जो मेरी जो मुछे थी वो जो बच्चा के ना पेंटिंग ब्रश टेढ़े लगो थे और इस सिम्बा एक पिक्चर साइन करके आया बंदा रोल लेकिन गुंडे का मिला है अलग बात तेरी शक्ल गंदी ओ नल्ली बासी बर्फी तू कल्ली तेरी झलक अठन्नी ओ नल्ली बातें करे तू संगी एंड द टीम इज हियर और नाउ वी आर रेडी टू शूट डायरेक्टर साहब अभी समझा रहे हैं कि कहाँ पे क्या सेट लगना है ये कौन आया बिना मास्क के तदूक हुई का तदूक रही था सावधान नहीं तो लगे मास्क तो उस टाइम ये भी बिना मास्क के बंदे लगे जेब से मास्क निकाला नहीं हां मैंने नहीं 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 हम तो पूछ के आए थे हमने किसने स्टेज में थोड़ी ना जाके किसने मास्क नहीं दे वो हां 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 पुलिस दिन रात अगर ड्यूटी कर रही है तो थॉट क्या था कि एक ऐसा कोई म्यूजिकल बैंड हो ऐसा कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो जिससे कि हमारे पुलिस के लोग भी स्ट्रेस फ्री हो सके जो वीडियो बनाते हैं वो गोल गोल जी बन दी है ना और हिमांशु भाई के घर में एक बंदर आता है जो इनका दोस्त है हिमांशु भाई के घर में एक दोस्त आता है जो इनका दोस्त है वो बंदर है ना तो ये रिपीटेशन में चली हुई थी बात अरे बंदे सो गए अंदर है ना ओ भाई साहब अरे बंद कर ठंड लग रही बंद कर ठीक है भाई जी परोंठो का प्रबंध किया आपने परोंठो का प्रबंध है जी आपका वाइल्ड फ्लावर हॉल में वाइट फ्लावर हॉल वाइल्ड वाइल्ड फ्लावर हॉल वाइल्ड फ्लावर हॉल का परोंठा तो मैं इसका मतलब दिन भर भूखे रहने वाले अगेन रोलिंग हां जी अगेन रोलिंग बस तू जाने जी हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो अपनी स्वच्छ छवि और उत्तम कार्य के लिए देश भर में जानी जाती है आफ्टर इतना सारा इंटरव्यू में शायद 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग गए थे और बादल आ रहा है जा रहा है उस हिसाब से थोड़े से लेट हो रहे थे अब एक म्यूजिक सेशन चल रहा है ठंड बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बट वी आर डेडिकेटेड सो कम्प्लीट करेंगे एंड वी आर कम्प्लीटिंग इट होप यू विल एंजॉय होप यू आर एंजॉयिंग दिस व्लॉग
ज़्यादा बोला तो नहीं मैंने इस ब्लॉग में, पर जैसा भी है लो लेफ्ट। पहले तो आप मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारे भाई के बहुत ही अजीज दोस्त हैं, HRTC ड्राइवर, सोलन टू चंडीगढ़ बस चलाते हैं। उन्होंने अपनी शर्ट इन्हें गिफ्ट की थी, तो कितना अच्छा फील होता है जब एक दूसरे को। तो ढाबा होना चाहिए नेक्स्ट लोकेशन। चलो सर। ऑलराइट, तो ये लोकेशन है आपकी कुफरी। आई डोंट नो कि कौन सा कैसा शूट लगाने वाले हैं, लेट्स सी कैसे होता है। कैफे ललित में सेट लग रहा है ना? हाँ जी। ये होटल टूरिज्म वालों का? जी सर। बहुत बढ़िया, बस लाइट ग्रैंड एंट्री के लिए दे आर मेकिंग अ सीक्वेंस, और अभी बहुत सारी गाड़ियाँ आएगी, बहुत सारे बाइक्स आएगी पुलिस की, एंड
सच्ची कलर्स टीवी पे कैसा लगता है? सर शॉट आ गया है बेरहम क्या है कैमरा बेरहम शॉट आया बेरहम शॉट आया अरे एक बार ही क्लियर पीछे वाले थोड़े से रुक गए थे पर वो हो गया था कोई बात नहीं हो गया जी बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लोकेशन भी एकदम आज सुबह से लेकर यहाँ पे प्रेस रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स पंजाब केसरी फर्स्ट वर्डेक्ट दिव्य हिमाचल लाइव टाइम्स टीवी और भी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्टर्स आ रहे थे जिनको मना करना पड़ा क्योंकि पूरी तरह से शूट नहीं हो पा रही थी तो इनकी फ़िलहाल बैक स्टोरी शूट हो रही है और वही शूट नहीं कर पा रहे थे हम तो बड़ी मुश्किल से अभी पंजाब केसरी और लाइव टाइम टीवी ने पकड़ लिया है पुलिस वालों को और अभी उनका 2-3 शॉट्स बाकी है मौसम ने फिर भी ठीक ठाक साथ दे दिया है बट अगर नहीं छोड़ते हैं तो कल के लिए बात चल जाएगी और कल इन्होंने वापस घूम भी जाना बस इतना ही था इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉग नेक्स्ट आएगा आई थिंक ठीक है कहाँ जा रहा है भाई ठीक है ये भी जा रहा था